क्या कह रहे हो? देखो भाई को चॉइस कराओ, भाई क्या कह रहा है? हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं आपको भाई शौर ठाकुर, साथ में डीके डागर, और आज हमारे नए मेहमान है हमारे साथ राकेश उपाध्याय। तो भाई आज क्या करवाने वाले हैं हम वीडियो में? भाई अलॉय व्हील्स लगवाएंगे इसमें। तो इसके बारे में पहले बताओ क्या चक्कर है, मतलब नई है, पुरानी है, कितनी पुरानी है, कब डलवाने की सोची है, आप डलवा रहे हो कैसे, क्या मतलब पूरी बताइए। 2016 मॉडल है। अच्छा, S6 प्लस वेरिएंट है। S6 प्लस वेरिएंट है। अच्छा, तो अभी इस पे मैंने मतलब काम कराया थोड़ा बहुत। मतलब मैंने देखी थी पहले, पुरानी थी काफी, जंग लग रही थी, डिक्की वगैरह इसमें चेंज है। और अच्छा, पेंट भी इसमें हुआ है, पहले डायमंड वाइट था इसका पेंट। अच्छा, डायमंड वाइट था, वाइट कराया, मतलब काफी काम करा दिया पूरा। चलो काम वाम की तो बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये बता देते हैं इस वीडियो में हम लोग इसमें अलॉय डलवाने वाले हैं। तो बिना अलॉय के आप लुक देख लीजिए कैसा है इसका। और अलॉय के बाद ही पूरा, वैसे लगती तो प्यारी है भाई। वैसे भाई ने ये सब ग्रिल व्रिल सब चीज चेंज कराई हुई है इसमें, पूरा काम बन के आया इसका। तो भाई आपकी ये गाड़ी है बिना अभी बिना अलॉय के, ये लग रहा है लुक आपका, प्यारी लग रही है। अभी अलॉय डलने के बाद क्या लुक आएगा वो आपको दिखाएंगे वीडियो के एंड में। तो चलो फिर चलें, फिर चलो फिर भाई। वैसे कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी की, पूरी धूल में हुई पड़ी है। देखो मतलब भाई को इतना शौक है अलॉय डलवाने का कि भाई ने ये धुलाई वुलाई नहीं करी, सीधे जो मैकेनिक के पास से काम चल रहा था वहीं से डायरेक्ट उठा के ले आया भाई। देख रहे हो ठीक है भाई, ये होता है शौक, शौक का तो बात ही अलग है। हाँ, स्कॉर्पियो मैनेज भी था, कोई नहीं कर पाता। तो भाई अभी हम आ चुके हैं पलवल सिद्धार्था टायर। तो भाई देखो, वैसे तो आपने ये जगह पहले देख ली होगी पुराने ब्लॉग में, मैंने अपनी गाड़ी में भी यहीं से टायर डलवाए थे, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है जैसा कि आप जानती हैं, मैं बताता चल रहा हूँ। तो भाई मिलते हैं यहाँ के ओनर से, दीपक भैया से। कैसे सर? तो भैया अपनी स्कॉर्पियो ये है, देखो भाई इस पर कौन से सजेस्ट करोगे आप? 17 और सर मतलब कौन सा वाला कलर दिखाते हैं वो ये जनरल का दिखा लगेगा सारा। तो नया कुछ आया स्टॉक में है कैसे? एक बार फिर बताना, यही चीज है ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, जैसे राकेश भाई को डलवाने हैं तो यहाँ है अवेलेबल, मिल जाएंगे। तो मैंने कहा तुम रुक जाओ, अभी खदान में चलो गए तुम, अभी ऊपर अभी असली खजाना तो देखा ही नहीं, यहाँ अभी कुछ है नहीं, तुम देखना ढंग से। तो ऊपर है जो भी है, ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ है भाई साहब अलॉय का खजाना, खुल्ला सिम सिम, 150 के दो ले लो। दीपक भैया ये मतलब जो गाड़ी से चलाते हैं अलॉय खाली पड़ जाते हैं, तो दो तीन दिन में पड़ जाते हैं धुलने के बाद। वो लेदर जो होता है ना वो इतनी बुरी तरह से लेदर चेंज करा लो। वैसे अभी मेरी गाड़ी से भी नहीं आई, क्या नाम है उसको, अलाइनमेंट पे नहीं आई अभी। व्हील डालोगे तो अलाइनमेंट का कोई ऐसा इशू आता नहीं है, अच्छे से फिटमेंट हो, बैलेंसिंग हो जाए, मतलब इनकी आराम से नाइट्रोजन डल जाए, अलाइनमेंट एक ही बार ही ऐसी हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में इतना इशू आता नहीं है। क्या कह रहे हो? देखो भाई को चॉइस कराओ, भाई क्या कह रहा है? ये तो बहुत बेकार लगता है, ये कंपनी का है ना, कंपनी का है। हाँ, ये जो क्लासिक में जो आ रहा है ना वो वाला है, ये तो बहुत भाई। ये देखो कंपनी कह रहा हूँ, महिंद्रा ने सबसे बड़ी गलती करी है इनको निकाल के, ऐसा होता है वो, फिर भी ठीक है। अब आदमी देखो स्कॉर्पियो क्यों ले रहा है, आदमी लुक्स की वजह से ले रहा है ना, ये पूरा लुक खराब कर देती है। एक तो ये वाला ले लो, अपना वाला जो इसमें ब्लैक देखने वाली
इसकी फिनिशिंग नहीं किया कलर में कुछ फर्क है ना। हाँ ये सिल्वर टाइप का लग रहा है, ये इंपोर्टेड फिनिशिंग है, ये हमारे इंडियन फिनिशिंग बिल्कुल सर फिनिशिंग बड़ा पता क्या होना है अब हमने स्कोर भी में 20 22 से ऊपर ऊपर देख रहे हैं तो मज़ा मतलब कम आता है मेरी खुद में इनसे नजर नहीं हटती मैं खुद ही कह रहा हूँ तो करवा लेता ना तो पैसे में अब होगा भी नहीं अब क्योंकि खर्चा जा बैठे हैं लाख रुपए आस पास अब कितने का आ रहा 20 का कितने का आ रहा 20 इंच हमारे पास 50,000 से शुरू हो जाएंगे लास्ट 95,000 तक। अच्छा कंपनी है कौन सी इन्फ्यूबस मोस्ट ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो भाई अभी मतलब हमें स्पोक्स ज़्यादा नहीं चाहिए तो अभी ये चार फाइनल करें हमें मतलब सेम ही दो ही हैं ये दो हैं लेकिन कलर अलग अलग है सिल्वर में भी और ब्लैक में भी है तो फाइनल अब चार करें ये हैं चार अब देखते हैं गाड़ी में डलने के बाद कैसा लगता है। बिल्कुल भाई ठीक है लगने के बाद देखेंगे चलो तो अब देखते हैं इनका नीचे चल के कैसे लगते हैं गाड़ी में। जो भी भाई हमारे शौकीन हैं गाड़ियों के लॉय के तो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी का सामान है यहाँ पर। ये होता है कि जब हम कहीं अलग लेने जाते हैं तो हमें ना वैरायटी नहीं मिल पाती है यहाँ की सबसे बढ़िया जो मेरे को बात लगती है वो ये है कि वैरायटी फुल है बस आपकी आप कौन सी कितनी चाहिए मोटी करके आ रहे हो वो मैटर करती है। बिल्कुल सही बात देखो छोटे से लेके बड़े तक सब चीज़ है तो ये नया स्टॉक भी आया हुआ है देखो पहले तो हमारे जब हमारे को 20 में दो तीन ही ऑप्शन थे। हाँ तो अब तो बहुत सारा है ये टोटल आप देख रहे हो 20 का ही माल पड़ा हुआ है बीच में ये सारा 20 का ही माल है ये भी लगते हैं और सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये है। हाँ इसकी चीज़ें वायरल हैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो भाई गाड़ी में अपना काम शुरू होने लग गया है टायर खुलने शुरू हो गए। तो राकेश भाई क्या सोच रहे हो कैसा फील हो रहा है देखते हैं अभी क्या मतलब क्या मतलब सोच के आए हो कैसा लुक चाहिए गाड़ी का बीस वाला लुक चाहिए ऐसा ही है मतलब मैं ना 20 लगवाने आया था पहली बार इन्होंने क्या करा था 17 वाला लगा दिया लेकिन जो टायर है ना वो छोड़ गया था थोड़ा सा तो उससे 20 वाला लुक आ गया। हाँ भाई ये है ब्लैक और आपका वाइट जो ये वो तो मेरे वाले हैं ये अलग हैं कौन सा लुक सही है वाइट या मुझे ब्लैक बढ़िया लग रहे हैं इनमें लुक आएगा यार निकल के क्या कौन सा फाइनल फिर आगे वाला फाइनल सेम मेरे वाला ही आगे वाला भाई फाइनल हो गया। तो यार अभी डिस्कशन चल रहा है कलर कौन सा कराया जाए ये जो ड्रम आ रहे हैं ना इन पर रेड कराया जाए ऑरेंज कराया जाए या येलो कराया जाए और इस पर विशेष चर्चा हो रही है। विशेष चर्चा के बाद अभी निकला है परिणाम ऑरेंज का। तो सबसे जो मेन चीज़ जो सबसे बड़ी बात होगी देखो अभी आप टायर देख लीजिए अभी इसका टायर बिल्कुल अंदर है ठीक है बॉडी से बिल्कुल अंदर बॉडी के अंदर है देखो इतना अंदर है। अब जो लग जाएगा अलॉय लगने के बाद आपको दिखाऊंगा कि बॉडी से कितना बाहर आएगा ये। तो ये आराम कर रहे हैं भाई आ गया आ गया आ गया सही है हमें तो सही लग रहा है तो भाई ऑरेंज कलर करा दिया इसका बढ़िया लग रहा है बस। तो भाई देखो फर्क देखो कितना है ये आपका स्टॉक है जो कंपनी से आता है और ये है देखो इतना चौड़ा है हवा डल के भी और चौड़ा हो जाएगा फिर ये बस कुछ देर और कुछ देर में भाई इंतजार ख़त्म। मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि भाई कैसी लगेगी ये वाइट वाइट में मैंने कम देखे हैं पर हर कोई जो है वो ब्लैक में डलवाता है अब वाइट में देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो भाई देख लो ये आपका इतना आउट हो चुका है इतना और ये जो इस अभी इसमें नहीं है ये अंदर है बिल्कुल फ़र्क तो भाई पूरा पूरा पड़ेगा। अभी चलो कंप्लीट हों दो जब दिखाएंगे पूरा। स्कॉर्पियो में अगर एलॉय व्हील ना हो ना तो बिल्कुल ख़राब है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में एलॉय व्हील लगने के बाद वो कंप्लीट हो जाती है आप मतलब उसके बाद कुछ मत करवाओ स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो है फिर भाई। तो भाई इंतज़ार ख़त्म हुआ एलॉय लग चुके हैं टेस्टिंग वेस्टिंग जो अलाइनमेंट वगैरह जो भी है वो सब फाइनल हो चुका है
अब गाड़ी धन्नो नीचे उतर के आ रही है भाई। चीज लग रही है भाई, ऑरेंज मजा दे रहे हैं भाई पूरे पूरे, है ना। भाई रोड पर गाड़ी खड़ी हुई भी कितनी प्यारी लग रही है, चलते हुए तो क्या ही लगेगी। काम पूरा हो गया है परफेक्टली, अलाइनमेंट वगैरह सब ये सब करके चेक कर ही देते हैं, गाड़ी खड़ी है बाहर, पेमेंट भी हो चुका है। अब भाई ये बस भैया से बता देते हैं, चलते हैं घर। भाई कैसा लग रहा रिव्यू यहाँ का, क्या दोगे, कितने नंबर दोगे भाई? बहुत बढ़िया, कितने नंबर दोगे? 10 out of 10। अपन दे लो अपने सामने दे लो, है ना, 10 में से 10। दस भाई मेरी तबीयत खराब है तो हाथ जोड़ के टीम भाई मेरा मजाक बना रहे हैं और कुछ नहीं है भाई, मैं तो नहीं बता। ठीक है भाई, अब थोड़े बहुत शॉट्स आपको रोड पे दिखा देंगे गाड़ी चलते हुए कैसी लग रही है, प्लस अभी ना इसकी एक वीडियो और बनाएंगे, इसका रिव्यू लेंगे। इसमें भाई ने काम कराया है, मतलब ये मॉडल पुराना है लेकिन इसने S11 में कन्वर्ट कराई है। तो ठीक है, 2-4 सिनेमेटिक शॉट्स डाल के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और भाई बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।